हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो सॉन्ग है वो रिक्वेस्टेड भी बोल सकते हैं और मेरे तरफ से बोल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली हम जो सॉन्ग किए थे जिसका नाम था ये डैंग, जो BTS का रैप लाइन का सॉन्ग था, तो उसका लाइव पे रिएक्ट किए थे। और डैंग हम पहले सुन चुके थे, तो जब हम सर्च कर रहे थे डैंग के बारे में तो एक सॉन्ग मेरे मुंह पे आए जा रहा था बार बार डैंग के जगह, वो था अ। तो हमको हम कभी सुने नहीं है, ओह का मेंशन हम देखे भी नहीं। ओह हमको सुनना तो है पर इसका एक्सप्लेनेशन हमको जीरो आइडिया। तो लिरिक्स वाला लिरिकल वाला वीडियो पहले करते हैं, फिर लाइफ में भी देखेंगे। तो अगर तुम लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हो मेरे को इस चैनल पे, तो भाई लाइक करके एटलीस्ट सब्सक्राइब, नहीं तो लाइक तो कर ही सकते हो तुम लोग। इस वीडियो पे वीडियो को बूस्ट मिलता है, तो लेट्स गो, चेक इट आउट। और सब्सक्राइब करना है कि नहीं तुम एंड पे मेरा ऐसा लास्ट वर्ड पे तुम ये कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि सब्सक्राइब करना है कि नहीं। तो लेट्स गो, चेक इट आउट। एक सेकेंड, हम ज़्यादा पॉज नहीं करेंगे, सॉरी। बट भाई ऐसा स्टार्ट किया है तो भाई रैप लाइन तो फोड़ने वाला है भाई, जब भी रैप लाइन करता है भाई हाइप हो गए हम यहीं पे। ये लोग सुबह को कौन गुस्सा कर दिया भाई, टोंग 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 भाई। जो वर्डिंग्स जो प्लेस किया है ना, मतलब रेपिटेटिव एकदम वाला, पोक पोक जैसे यहाँ पर भी हमको लिरिक्स दिख रहा है, पोक पोक भाई। जो प्रोनाउंसिएशन है भाई, ओ भाई गुड लॉर्ड। एक सेकंड तुम लोग, हम मेरे को अगर हम किसी को हमको BTS को ज़्यादा देखना हो तो देखते, क्योंकि उसका जो एनर्जी और लाइफ, जो हम इतना रीसेंट लाइफ रिएक्शन कर रहे हैं, J-Hope लेवल पर रहता है बाकी मेंबर से। ऐसा नहीं बाकी मेंबर का कम रहता है, पर J-Hope को देखने में हमको उसके साथ जो उसका रिएक्शन रहता है हर एक ईयर में, वो हम उसको एडमायर करते एक तरह से बोला जाए तो। बट भाई ये ना J-Hope कभी नहीं, एक सेकेंड, पहले तो कोरस में जाने से पहले भाई भाई राइटिंग 10/10, रैपिंग 10/10, और भाई जो फ्लोस है भाई, स्टार्टिंग से लेके अभी तक एक भी फ्लो रिपीट नहीं हुआ है। जो धड़ 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 सूखा गया, फिर J-Hope अपना आया, फिर RM भी एकदम पंच, RM का हर एक लाइन एक पंच की तरह हिट कर रहा था भाई एज अ रैपर। इसलिए हम ये लोग को ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि इतना अच्छा जीनियस लिरिक्स होते हुए इंडिया में भी रैपर बहुत सारे रैपर है, बट वो लोग का टॉपिक के तो ऐसा नहीं है। मतलब टॉपिक क्या बोले, हेटर्स को हेटर्स कर रहे हैं, तो वो लोग हेटर्स वाले, मतलब हर एक गाना में वो लोग का हेटर को रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब ऐसा होता है कि हर एक सॉन्ग ही इन लोग का डिस रहता है। एक एग्जांपल ले लो, मेरे को सबसे अच्छा रैपर इंडिया का लगता है कृष्णा, वो भी हर एक, मतलब हर एक में किसी किसी को डिस कर देता, पर वो हर गाने के लिए सही नहीं लगता ना। ये RM, ये गाना हेटर्स को डिक्स डिस है, डिक्स क्यों बोल रहे थे, ये गाना ये रैपर्स लोग के लिए डिस है, जो मतलब या हेटर्स लोग के लिए डिस है। बट ये स्पेसिफिक सॉन्ग में, मतलब और कोई सॉन्ग में तुम ये नहीं सुनोगे, समझ रहे हो। ये बहुत कम सॉन्ग में, मतलब ऐसा रैप ग्रुप से आता है, रैप ग्रुप का और भी सॉन्ग है पर वो डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक को टच करता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए हम वेट भी करते हैं जब रैप लाइन सुनते हैं। देखो यही टॉपिक भी देख लो, आई गेट, मतलब वो
हेटर्स पे एंगर नहीं दिखा रहा है, वो एंगर दिखा रहा है जो अपने अंदर गुस्सा जो पेंट अप होके रखा उस पे, तो एंगर वो गुस्सा पे गुस्सा हो रहा है। ओ भाई वही जो भी ये हम जाके चेक करेंगे इसका मेन ये वाला लाइन कौन लिखा है, क्योंकि अगर तुम मेरा प्रीवियस वीडियोस देखते हो तो मेरे को कुछ कुछ छोटा छोटा लाइन बहुत पसंद आ जाता है। तो हम मेरा फ्यूचर मेरा ये है कि जब काइंड ऑफ जब हम अपना सेटअप अच्छा से रूम बनाएंगे तो वो छोटा छोटा कोट्स एक छोटा छोटा फ्रेम में डाल के रखेंगे। अगर तुम लोग को देखना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखो। वो तो हम है ये कि बीटीएस का, और बीटीएस नहीं जो जो मेरा फेवरेट सॉन्ग का कोट्स है उसको हम एक जगह पे कोट्स लिख के बाय आरएम करके करेंगे। ये जो एडिटिंग है ना, जो प्रोडक्शन है, बाकिंग कैटेगरी का लग रहा है। आई गो मतलब ऐसा काइंड ऑफ बार्किंग साउंड कर रहा है बट ऐसा एग्रेशन में कि ओ भाई ये नॉर्मल डॉग बार्क नहीं है, वो खुद पे गुस्सा वाला बार्क है। जे होप ये तीन गाने में किया है, येट टू कम जो था अचानक से ऑटो हो गया था रिदमिक, ये दूसरी बार हुआ में आई डोंट नाम याद आ रहा है पर मैं था बस जस्ट मेरे दिमाग, बट इस पे रन बीट बुलेट प्रूफ रन जो सॉन्ग था उसमें हुआ था, पर रिसीव नहीं देखे ऑटो ट्यून के साथ। भाई जी होप शो एक रेस के साथ फिर से सुनना बनता भाई प्लीज। क्या नॉर्मल ऑटो ट्यून है चाहेंगे। ये मेरा हेडफोन था ना
क्योंकि हम गेम खेलते हैं, वैलोरेंट खेलते हैं, अगर गेमिंग का गेम का आइडिया है तो करके हेडफोन में तो अच्छा से, तो भाई हमको बेस जीरो पे किया हुआ है ना, खतरनाक बेस आ रहा है भाई, भाई मतलब हाइप एंड वाला पार्ट तो भाई वेट का भाई प्लेलिस्ट पर। गाइस जाने से पहले एक बात, अगर तुम लोग को ये सॉन्ग का लाइव वर्जन करना है, इसके बाद हम करने वाले सारा ऑप्शन है ना कौन सा करे, तो देखते हैं, अगर पता हो ज़्यादा फन वाला है हम लोग मेरे को कमेंट्स में डाल दो इनके साथ, अगर नॉर्मल डालो में हो जाएंगे कमेंट्स में डाल दो कि करना है, हम डेफिनेटली जा फिर नेक्स्ट वी। और गाइस नेक्स्ट में कुछ दिन बाद, कुछ अभी थोड़ा देर बाद ही रिकॉर्ड, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो दे तुम्हारे चाहे अगस्ती का जो एल्बम है डी वो आएगा, और सुबह का टाइम है मतलब अगर तुम लोग को नहीं पता है तो 1:15 को तो दो है वो नॉर्मली अलग अलग चीज़ एज अ BTS और कहीं से मतलब, तो वो भी कर सकते हैं बट सॉन्ग होगा वो अगस्ती का जो एल्बम है वो आज, अगर मेरे को कमेंट्स आए मेरे को भाई रेगुलर कोई है मतलब फीमेल आई डोंट नो, बट मेरे को दो अभी तक तो एक ही हमको जो कमेंट में है और मेरे को रेगुलर ही सुनता है, तो मैं आया था एक्साइटेड फॉर योर ये अगस्त डी एल्बम रिएक्शन भाई, मेरे को बहुत खुश कि कोई कोई तो कुछ मतलब कुछ चीज के लिए एक्साइट कर रहे हैं, क्योंकि रात को उठ के रिकॉर्ड करना दिन को की नॉइज बहुत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक देखे हो तो, और यहाँ तक टिके हो तो सब्सक्राइब कर, बाय बाय टाटा सी यू।